तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से पल्लव ब्लॉग्स पे। और आज हम लोग हैं बनारस में। जैसा कि पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं कि हम लोग भस्म जो है होली खेल रहे थे, तो पूरे तरीके से चीता की जो भस्म होती है उससे जो है हम लोग होली खेल के जो है आए हुए हैं। उसके बाद गंगा स्नान किए, उसके बाद का मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा भूख लगा था हम लोगों को, तो पूछताछ के कुछ कुछ इधर उधर करके जो है दो तीन रेस्टोरेंट हम लोगों ने घूमा, लेकिन लास्टली हम लोग लंका है यहाँ पे। और रेस्टोरेंट के बारे में जो है इस वीडियो को शुरू होने के बाद जो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को जो हम लोग शुरू करते हैं। अभी हम लोग गए थे एक रेस्टोरेंट में पापरिका, और वहाँ पे हम लोगों ने जो है बिरयानी जो है खाया है। बिरयानी, और आप लोग बताइए जो जो यहाँ पे जनता लोग हैं, बताइए बिरयानी कैसा था। मतलब ठेले वाली बिरयानी भी उससे कई गुना ज्यादा स्वादिष्ट और चटकदार होती है। इतना घटिया चावल भैया आज, और इतना घटिया बिरयानी जो उल्टी होने लगा बिल्कुल। आज सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था उस बिरयानी का, बिरयानी के मामले में। सत्यम जी बिरयानी अब फूकने का मन कर रहा है भाई। इससे आज कुछ नहीं कर सकते हैं बस। हम लोग दोस्तों कभी भी जब भी यहाँ बनारस में आए हैं, खाने को लेके ऐसी प्रॉब्लम आई है, तो कृपया करके अगर जो यहाँ बनारस है एक बार हम लोगों को सजेस्ट कर दें ताकि अच्छा खाना मिल सके। तो दोस्तों फिलहाल अभी हम लोग चल रहे हैं राजघाट, और राजघाट से रात का वीडियो जो है मैं आपको दिखाऊंगा घाट सबका। तो घाट पे चलते हैं और दिखाते हैं आपको नमो घाट से लेके 80 घाट तक का नज़ारा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। जो है हमारा फेल हो चुका है रात में नाइट आउट करने का यहाँ पे गंगा आरती पे। क्या कह रहे हो, कोई है ही नहीं। मसान वाली होली थी तो सारे जो है दिन में एंजॉय किए। इस टाइम कोई नाव चल नहीं रही, आप नदी में देख सकते हैं सारा खाली पड़ा है। मतलब कोई बोट या कोई नाव वाले चल नहीं रहे हैं, सभी अपने अपने घर जा चुके हैं। आज थोड़ा तो दोस्तों यही रीज़न है कि आज मैं आपको ये वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा रात का। फिर कभी आते हैं बनारस तो फिर जो है मैं आपका रात का जो है ज़रूर से ज़रूर गंगा घाट जितने भी हैं उनका वीडियो जो है मैं आपको दिखाऊंगा। पीछे जस्ट पीछे ये जो देख रहे हैं आप, ये रामनगर का जो है इसको कह सकते हैं राजघाट का जो है ये पुल है जो कि रामनगर से ज्वाइंट करता है। आगे चल के अगर राइट लेंगे तो रामनगर फोर्ट को जो है ये जाता है, और जस्ट सामने उधर भी एक बहुत बड़ा पुल है, आगे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, वो भी जो है ज्वाइन करता है। इसके लाइट के बारे में दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको, तमाम तरीके के जितने भी आपको यहां से दिखाई दे रहे हैं, मैं सोचा था कि वहां तक चलता तो मैं आपको दिखाता, लेकिन वहां तक तो मैं जा नहीं पा रहा हूं। वहां पे बहुत सारे टेंट सिटीज़ जो है वहां पे बनाए गए हैं, और नमो घाट जस्ट इसके आगे है वहां पे। तो देखते हैं नमो घाट ही चलते हैं अगर प्लान होता है तो, नहीं तो अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे गोरखपुर की तरफ और फिर आपसे जो है रास्ते में मिलते हैं। ये प्लान तो फेल हो गया, उसके लिए सॉरी, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी दिख नहीं रहा आपको, देखिए दूर दूर तक, क्योंकि सुबह में जो है होली जो है सेलिब्रेट किया गया यहाँ पे मणिकर्णिका घाट पे, इस वजह से। तो दोस्तों इस वीडियो पे बने रहिए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है आपके लिए आते रहेंगे। अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं गोरखपुर के लिए, पर जो है आपसे रास्ते में मिलते हैं। तो गाइस नमो घाट जो है अभी हम लोग आ चुके हैं, नरेंद्र मोदी घाट देख सकते हैं। ये जस्ट रिसेंट 2 इयर्स में जो है इसको डेवलप किया गया है, और ये देखिए मतलब बहुत ही अच्छा घाट जो है वो मुझे लग रहा है। बनारस में 4 चांद ये घाट जो है वो लगा रही है, और बहुत ही अच्छा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है ये काम कराया गया है, काफ़ी अच्छा है। और देख सकते हैं यहाँ पे आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए नरेंद्र मोदी घाट, ये इसका कॉन्सेप्ट है। फाइनली हम लोग नरेंद्र मोदी घाट पे हैं, और ये रहा घाट में जैसे आपको दिखाया, और ये राजघाट पुल। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और चलते हैं गोरखपुर के लिए, और गोरखपुर के लिए रवाना जो है अभी हम लोग हो रहे हैं।
तो रास्ते में मिलते हैं, अगर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगा, नहीं तो रास्ते में तो आपसे मुलाकात होगी। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। आप सबों के लिए ये देख सकते हैं, यहाँ पे तमाम जितने भी सीएनजी बोट्स चलते हैं उनका रिफ्यूलिंग जो है पानी पे तैरता हुआ, विश्व का प्रथम तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन जो है बनारस में है। और ये आप देख सकते हैं बोट, वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन, तो जस्ट यहीं पे लगा हुआ था तो सोचा मैं आपको दिखा दूँ। और जितने भी बोट सीएनजी वाले होते हैं वो यहाँ से जो है रिफिल जो है वो कराते हैं। तो दोस्तों क्या कह रहे हो, ये राजघाट पुल के पास बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि अगर डीजल से चलती है बोटें तो उसका इम्पैक्ट गंगा के पानी के ऊपर उसका इम्पैक्ट 101% पड़ना है, और सीएनजी से चलती है तो इन्वायरमेंट भी क्लीन रहेगा, क्लाइमेट पे भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये अपनी गवर्नमेंट मिला जुला के इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, समय हो गया काफ़ी ज़्यादा, 7:32 हो चुका है और अब निकला जाए। नमो घाट जो है मैं दिखा दिया हूँ पूरे तरीके से एक बार और। यहाँ पे निकलने वाला रास्ता है रास्ता है दोस्तों, नहीं है रास्ता तो ऊपर से जाना पड़ेगा। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से और फिर जो है आप सबों से मिलते हैं रास्ते में। तो फिलहाल जो अभी हम लोग टोल टैक्स पे जो है आ चुके हैं और टाइम देख सकते हैं 8:50 जो है इससे हो रहा है, ठीक है। और 3 मिनट का समय होता है टोल टैक्स पे, बहुत लंबा जाम है, तो अगर 3 मिनट से ऊपर लगता है तो आपका टोल जो है वो माफ़ कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या नियम है, अगर 3 मिनट के ऊपर अगर हम लोग लगता है तो उनसे बोलेंगे टोल माफ़ करने के लिए, अगर 3 मिनट से पहले हो जाता है तब तो कोई बात ही नहीं है, तब टोल कटा लेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं वहाँ पे और आपको ऑन लाइव मैं दिखाऊंगा कि क्या जो है सीन है, नियम कानून जो है कैसे पालन हो रहा है। तो गाइज अभी हम लोग जो है यहाँ से बॉयल अंडा जो है खाए हैं, ऑमलेट खाए हैं और पर सामने जस्ट बढ़लगंज जो है अभी हम लोग पहुँच चुके हैं और वहाँ से जो है हम लोगों ने चाय भी जो है वो पी लिया है। मैंने चाय पिया है, इंद्रजीत और अभिषेक ने चाय पिया है और बाकी सत्यम और विक्की ने जो है कॉफ़ी पिया है। गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है, अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पे जो है गोरखपुर है। अब सीधे गोरखपुर में 1 घंटे में जो है हम लोग पहुँच जाएंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग बढ़लगंज में है, देख सकते हैं बढ़लगंज का ये चौराहा है, अंबेडकर चौराहा। तो यहाँ से निकलते हैं और आप सबों को मिलते हैं सीधे गोरखपुर में, और गोरखपुर में मिलने के बाद हो सकता है लेट भी हो जाए, समय देख सकते हैं समय हो रहा है 12:15। तो यहाँ से निकलते हैं और फल मिलते हैं आपको गोरखपुर में।